मेरा रुख अब वो नजर आने को है। पूछूंगा तब मैं सितारों से, कौन ज्यादा हंसी है तुम दोनों में। मुझे मालूम है उसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब पे तू ही शर्मिंदा होगा। तेरा वजूद तो सिर्फ रातों में, वो तो दिन में भी आफ्ताब है जमी के लिए। नजर ना लग जाए मेरी ही कहीं, लब पे काला तिल उसे रोकने के लिए। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, क्या बात है। सागर भी कम है जिसकी आंखों के लिए, घटाएं भी बूंद बन बरसती जिसे छूने के लिए। हवाएं भी थमती है जिसमें महकने के लिए, कायनात भी कम है जिसको पाने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, फरिश्ते भी मचल गए जिसे देखने के लिए। बना के उसे खुद खुदा ने भी सोचा होगा पाने के लिए। पाकर उसे सोचता हूँ कैसी किस्मत लिखी है मेरे लिए। एक उम्र भर कम उसे प्यार करने के लिए, मांगता उसे मैं हर एक उम्र के लिए। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, मैं क्या कहूँ। तो थैंक्स भैया, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद है उन सबका शुक्रिया। बहुत कम वक्त में हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम किया है। दोपहर में ये सारी चीजें फाइनल हुई क्योंकि यशवंत में रिकॉर्डिंग थी, और रिकॉर्डिंग के बाद कुछ ज्यादा करने के मूड में नहीं थे, लेकिन अचानक से पता चला कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ मीडिया से मीडिया के लोगों को बताया जाए, रूमर रूमर है। तो हम यहाँ पहुंचे और ये छोटा सा गेट टुगेदर आपके सामने किया है। बहुत जल्द हम फिल्म की कास्टिंग करने वाले हैं और कंपनी की जो भी अपडेट होगी बहुत जल्द आपके पास आएंगे। बहुत जल्द रूमर होंगे आपसे इंटरटेनमेंट की तरफ से। थैंक यू। बाकी इंटरव्यू आपको जिसका लेना नए विलन का ज्यादा लीजिए, इनको ज्यादा बताइए। विलन जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। जो कि फिरहान ने गाया है और मिलन हरीश जी ने इसे म्यूजिक पर संगीतबद्ध किया है। फिरहान ने इतना अच्छा गाया है कि जब सामने बने थे और हम लोग सुन रहे थे तो और इसको मैं देख रहे थे, मैंने इसने गाया तो यकीन नहीं हुआ कि इसने गाया है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत गहराई से। तो मेरी मुबारकबाद सचिन शर्मा, अविराज कंबाइन, हिमो अम्ब्रेला प्रोडक्शन, ऑल द बेस्ट फॉर फिल्म फॉर दिस सॉन्ग। एंड बाकी आप लोग जो हैं ये मीडिया वाले, अब इस गाने को सुने आप उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा गाना ये, और मेरी मुबारकबाद है दिल से। चैतन्य शर्मा हमारे बहुत करीब रहे, अविराज मेरे बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, मैंने उनके साथ ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ, बहुत ही सुलझे हुए हैं, और यशराज फिल्म से ही कनेक्टेड है ये। इज अ वेरी गुड यंग, और अभी भी वैसे ही हैं ये, और उतनी आई आई है समझे। मतलब क्या क्या मारेगा, मारता क्या आजकल। तो ये अविराज सचिन शर्मा का ये कॉम्बिनेशन, ये मुबारक हो इन दोनों को। तो ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ कि इन्होंने जो सोचा है, जो करने का सोचा है, इनको इसको ऊपर वाला जो है सत्य कर दे, इनके सपने को साकार करें, एक अच्छी फिल्म बनाए। अदरवाइज अरे हाँ, अरे बहुत ये इनका भी नाम है, ये हमारे बचपन के कलाकार हैं इनके साथ हमने एक्टिंग किया था, ये छोटे थे और अब बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे अब गीतकार हो गए अच्छे से। और ये आप इनके बैकग्राउंड अगर देखेंगे ना तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बढ़िया आदमी एक जूनियर सोना बेचने वाला समझे ना, वो उसको उसका इतना बड़ा ज्ञान मतलब इतना बड़ा हुनर ऊपर वाले ने दिया है समझे। तो ये सब बहुत ही ऊपर वाले की कुदरत होती है, तो इन सब की मेहनत सफल बनाए ऊपर वाले। ऑल द बेस्ट, बाय सर। मैं अपनी जर्नी शुरू की थी आपके हिसाब से, मीडिया से पत्रकार के तौर पर करियर शुरू किया, राइटिंग में बहुत सारी फिल्में लिखी, सीरीज ऑफ माय फ्रेंड गणेशा ये सारी सीरीज, शबनम मौसी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, काबू, धमकी, एंड अभी सत्य साईं बाबा एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है, अनूप जलोटा जी मेन रोल, वो भी मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट की मुंबई के डांसशाला, फिर मैंने डायरेक्ट की लव यू फैमिली, फिर मैंने डायरेक्ट की मराठी फिल्म बाला जिसे काफ़ी सराहा गया और काफ़ी अवार्ड मिले। तो जब ये फिल्में लिख रहा था और डायरेक्ट कर रहा था तो कभी कभी होता ना, हर किसी के सपने होते हैं कि हमारा अपने भी कुछ हो,
जहां हम आज़ादी के साथ काम कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके, अपनी कहानी पे काम कर सके, अपने विज़न के साथ, अपने विज़न के साथ। तो फिर बातचीत हुई और एक विज़न के तहत हम और अविराज जी एक दूसरे को 25 साल से जानते थे, जब ये यशराज फिल्म में थे। और आज इत्तेफाक देखिए कि यशराज से ही वापस से फिर शुरुआत हुई हमारी कंपनी की। तो ये यश जी के असिस्टेंट थे, मैं जाता रहता था, मैं मिलता रहता था, मुलाकात होती थी। और ये सफ़र शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेगा हमें भी नहीं पता था। एक साल से हम मिल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे स्क्रिप्ट पे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे, जिसके तहत हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, जिसमें से अभी आप जैक एंड मिस गिल के बारे में सुन रहे हैं। उसके अलावा अभी हम एक बायोपिक पे भी काम कर रहे हैं, जो कि अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है। उसके अलावा हमारा OTT के साथ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो भी बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर नए साल में जो हमने शुरुआत की है, वो शुरुआत की है जैक एंड मिस गिल के साथ, जिसका हमने आज गाने का रिकॉर्डिंग किया। और जैसा सचिंदर जी ने बताया कि अभी कास्टिंग शुरू होगा, रैकी स्टार्ट होगा, एंड वील कीप ऑन अपडेटिंग यू। और ये जैक एंड मिस गिल की शूटिंग गोवा और यूरोप की कंट्रियों में होगी। एंड अविराज जी कुछ बोले। बस यही कहना चाहूँगी कि जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है, ये कहा जाता है। वैसे बहुत अरसे से एक सपना था कि खुद का कुछ काम शुरू करें, खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी हो, खुद अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। एंड फॉर्चुनेटली मैं और सचिंद्र जी काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुलाकात हुई और इसी दौरान कपिल जी से भी मुलाकात हुई। हम तीनों ने मिलकर एक विजन सेट किया कि लेट्स गो फॉर इट। वो आपने जो सवाल पूछा ना कि अब ये अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये लोग बिजी थे एक्सपीरियंस कमाने में, कहीं ना कहीं बिजी थे अपनी कमिटमेंट्स डिलीवर करने में। और जैसा भी सर ने बोला कि जब अपनी कंपनी होती है, अपना प्रोडक्शन हाउस होता है, तो आप अपने विजन के साथ काम कर सकते हो, आप अपनी लिबर्टी के साथ काम कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो खुद के लिए, अपने विजन के अकॉर्डिंगली। इसलिए ये डिसीजन अभी हम लोगों ने लिया, बिकॉज हम लोग इतने वेल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैं भी फिल्म्स का बिजनेस, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे समझ में आया कि जिस प्रोजेक्ट्स पे ये लोग क्रिएटिवली वर्कआउट कर रहे हैं, कंपनी वाइज हम उसको अच्छा कमर्शियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अब ये डिसीजन लिया। देखो अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूँ, तो डेफिनेटली वील गो फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज। बट अगर जैसे जो हमने पिछले 6 महीने में फेस किया है सब ने, जिस वजह से बड़ी बड़ी फिल्में सूर्यवंशी हो या कपिल की फिल्म हो, कपिल देव के ऊपर तो वो अटक गई, तो फिर उस सिचुएशन में डेफिनेटली वील गो विद द OTT फॉर श्योर। उसके लिए अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा शेयर करना, अभी के लिए वी डेफिनेटली गोइंग फॉर यू नो नोन फेसेस ओनली, एंड विल लेट यू नो वेरी सून। We are just finalizing that thing. Yeah, we are in conversation. Negotiation chal raha hai abhi. So let's see, we'll definitely let you know within a maybe, you know, 1 month you'll come to know this thing. Abhiraj ji, Swargiya Yash ji ke saath aapne lamba waqt guzara hai, jaise jo main mujhe pata chala is dauran. Kya unka bhi kuch flavor dekhne ko milega, kyunki ye tajurba hota hai kisi bade diggaj ke saath kaam karne ka, unki kahi chhaap nazar aayegi film mein ya नहीं? देखिए मेरे हिसाब से तो जो भी डायरेक्टर होता है, जो भी मेकर होता है, उसका अपना विजन होता है, अपने हिसाब से काम करता है। डेफिनेटली आई वर्क विद यशराज, एंड एट द सेम टाइम आई वर्क विद सो मेनी पीपल, फ्रॉम यू नो सुभाष गई टू एवरीबडी, फ्रॉम दीपक शिवदासानी टू एवरीबडी, आई वर्क विद सो मेनी पीपल। यू नो आई वर्क इन एडिटिंग आल्सो विद एमुत्तु, विद डेविड साहब आल्सो, डेविड साहब की फिल्में भी मैंने की हुई है, तो हर किसी का मैंने देखा हुआ अपना काम करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं अपने विजन से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ, या जो मुझे ऑडियंस को क्या देना है ये मैं सोच के चलता हूँ। मैं आई डोंट कॉपी टू एनी वन, आई डेफिनेटली लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पीपल। या दिस इज यू नो रोमांटिक कॉमेडी एंड थ्रिलर, ये बेसिकली इस फिल्म का जॉनर जो है, वो एक रोमांटिक कॉमेडी एंड थ्रिलर है। इश्क की बारिश को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा ना? या थैंक यू सो मच। एक तो कंपनी का नाम ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, ऊपर से इश्क की बारिश, तो ये सौभाग्य है हमारा सब चीज़ें। हमारी कंपनी का जो मेन टारगेट है वो है कंटेंट प्रोवाइड करना, एंटरटेन करने के लिए और टाइम को देखते हुए। तो ये प्रोजेक्ट
हमारे जैसा मैंने अभी आपको बताया और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, बट स्टेज होता है, स्क्रिप्टिंग लेवल होता है, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग होता है, फिर बजटिंग होता है, और फिर वो कंपनी के विजन में सिंक होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली जैक एंड मिस गिल वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले उभर के आया, और जैसे सर ने बोला जो जो तब तब होता है, जो जो जब जो होना है, इसलिए हमारे साथ आ गए और चीज़ें अपने आप शेपअप होती चली गई। तो फिर हमने ऑफिशियल कॉल लिया कि नाउ दिस विल बी आर फर्स्ट वेंचर इन आर वर्टिकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो ये है कि मिस गिल कौन है, वी हैव टू फाइंड आउट हु इज मिस गिल। ये सरप्राइज है, कोई सरप्राइज है, कोई खूबसूरत होगी, कोई अच्छी एक्टर होगी, उसी को गिल दिया। और जैक एंड जिल कौन कौन है? जिल नहीं है, गिल है। वाह वाह वाह, गिल है कि मानता नहीं, गिल भी नहीं, मिस गिल है। मिस गिल है और गिल है कि मानता नहीं, गिल मिस है। अच्छा चलो ठीक है। देखिए ऐसा है कि अपना छोटा, ही इज डूइंग समथिंग गुड, सचू, हमारा सचू अब सचिंदर शर्मा हो गया है वो, और दादा हो गया है वो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, और जब जब भी उसने कोई काम लिया है अपने हाथ में, बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी शिद्दत से काम करता है। एंड इट्स लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक मुश्ताक इज एक्सटेंडेड फैमिली टू मी, सचू इज़ देयर। अभी ये जो परिवार बड़ा होता जा रहा है, अब जो परिवार बड़ा हो रहा है उसमें और टैलेंट आ गई है, अच्छे अच्छे सिंगर आ गए हैं, अच्छे अच्छे राइटर आ गए हैं, उससे परिवार में एक और इक्वेशन बनती है। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि गाने बनाइए, महफिल सजाइए, और ये महफिलें चलती रहें, फिल्में बनाइए, क्योंकि आजकल इस इक्वेशन में, इस दौर में फिल्मों का अच्छा कंटेंट होना, जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी जो फिल्में हैं कंटेंट बेस्ड हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि कंटेंट आज है नहीं, फिल्म इंडस्ट्री भूखी है क्योंकि कंटेंट नहीं है। अभी कंटेंट आना शुरू हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। 60s में कंटेंट था, 50s में था, 70s में था, लेकिन उसके बाद जो कंटेंट नीचे जाता गया, और उसके बाद में पॉप एंड शो बढ़ता गया। अब कंटेंट आएगा और पॉप एंड शो साथ में होगा, तो इक्वेशन विल बी समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। या मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है, जिस तरह से आज मैंने गाना सुना, और एक बार नहीं दो बार गाना सुना, इश्क की बारिश बहुत अच्छा। और स्पेशली मतलब मैं विजय है यहाँ पर, हाँ विजय जिन्होंने मतलब ये गाना लिखा है, और मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कि इनको तो लता जी ने और जावेद साहब ने भी जो है मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है मिलन हरीश जी ने, है ना। बाकी रहा टीम का, जो सचिंदर शर्मा है, ये मेरा और उनका कोऑर्डिनेशन तो बहुत पुराना है, और अभी राज जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, और उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ पहले भी, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कंटेंट अच्छा होगा, एंड कॉमेडी का दोनों को बहुत अच्छा सेंस है, और कॉमेडी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली लोगों को पसंद ज़्यादातर वही आती है, बट कंटेंट होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट अच्छा है। तो बस वही है कहना चाहूँगा कि भाई ऑल द बेस्ट, एंड सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैं पहले तो एक चीज़ बहुत श्योरली एश्योर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही म्यूज़िकल और बहुत ही कंटेंट्स लिए हुए, स्टोरी कंटेंट्स लिए हुए, जो बहुत मिसिंग होता है हमारी फिल्मों में, और जो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही, अगर स्टोरी या शब्द या अल्फाज या मीनिंग नहीं हो उसके अंदर, तो फिर कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, सिंगर हो, वो उसके अंदर कुछ चाहिए, एक सोल हो चाहिए जिसको वो ओढ़ता है, वो कैरेक्टर में जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी पार्ट होता है। तो आई कैन अश्योर ये ब्लू अम्ब्रेला के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये गाना, ये चीज़ें जो एक म्यूज़िकल फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मिलन भाई और हरीश भाई का म्यूज़िक, प्लस जो एक नया सिंगर इंट्रोड्यूस किया श्रेयांश बागरेचा, आपको रियली कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी आपको एक नई चीज़ एक बॉलीवुड में देगा, या अपने फिल्म इंडस्ट्री को भी देगा। आप जो 2020 की बात कर रहे हो, तो मैं इसके लिए एक बोलूँगा, जिंदगी से मैं यूँ उभरता चला गया, जिंदगी से मैं यूँ उभरता चला गया, जितना मैं डूबा और गहरा होता चला गया,
तो ये अब एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, ये 21 का आगाज़ है और ये जो आज की तारीख है, और ये बहुत मेमोरेबल रहेगा आप सबके सपोर्ट, आप सबके अफेक्शन से। और ये दुआ करता हूँ कि जो नए टैलेंट, नई चीज़ें जो हमारे बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को, वो आती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। एक कॉमन जॉनर चलता है इमोशनल रोमांटिक सॉन्ग, एवरी टाइम जैसे आप 50, 60, 70, 80, 90 जब तक चलेगा मामला, ये जो जॉनर हमेशा चलता रहता है। तो सिचुएशन मिली हमको कि इस टाइप से गाना कंपोज करना है, ये सब कुछ करना है, तो हमने बहुत सर के सानिध्य में, विजय जी के बहुत अच्छी लिरिक्स और सब मिलकर के हम लोगों ने काम किया। तो एक अच्छा सा गाना जो है पूरा टीम बनाती है, किसी एक के हाथ पे नहीं होता है, बहुत बड़ी टीम होती है ऑडियो और म्यूज़िक में। तो सब लोगों ने बहुत अपना अच्छा ग्रेट जॉब दिया है और बहुत ही प्यारा श्रेयस ने गाया, बहुत अच्छा गाया। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी चॉइसेस होती है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस मैंने यहाँ लाइव देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, कानों को, कानों में रस घोलता है जब आप सुन रहे हैं जो भी मैंने यहाँ सुना। जी जी। क्या सिंगर ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे या आपकी मुलाकात बाद में हुई? नहीं नहीं, पिछले 2-3 साल से कांटेक्ट में हमारे, और बहुत अच्छा मतलब सीख रहा है उनका, और हमारे कांटेक्ट में नहीं, हमारे बहुत ही मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी वॉइस को। और सबसे म्यूजिक इक्वल्स टू फील होता है, अगर जिस संगीत में फील नहीं है वो गाना हो ही नहीं सकता, दिल को छूना चाहिए। तो म्यूज़िक, लिरिक्स, सिंगिंग, तीनों ही चीज़ें बहुत फील कर रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आप लोग देखिए, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब फील। गाना रिकॉर्ड होता है, डायरेक्टर खुद मौजूद होते हैं स्टूडियो में, तो एक एहसास अपने आप ही अंदर से आता है। जी जी, मुझे इस गाने का जो एहसास है, मैं पिछले 20 दिन से गाना हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पर, मुझे एहसास, पॉजिटिव एहसास परसों शाम को आया था कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, और भी काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं, लेकिन अच्छा लगा। तो आज जब देखा सबको लगा कि जब जीके मिस गिल के लिए फाइनल, हाँ ये तो बराबर आता है, ये गाना बना रहे थे तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिली। दो तारीख को आया, मैंने बोला सरप्राइज कि मैंने पास 2 तारीख को आया, बोला मैं रिकॉर्ड करूँ, बोले हाँ करते हैं। नहीं रियली, ये एकदम बराबर बात है कि जिस सॉन्ग का लक्ष्य बन जाता है तो उसमें एनर्जी ऑटोमेटिकली आने लग शुरू जाती है। एक हम लोग यूट्यूब्स के लिए गाना करते हैं, 1000 यूट्यूब का सॉन्ग इक्वल्स टू 1 बॉलीवुड सॉन्ग फिल्म, मैं ये मानता हूँ। मतलब फिल्म का गाना एक बहुत बड़ा गाना होता है, जिसपे सिचुएशंस होती है, ढेर सारी कुछ चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं। ओके सर, थैंक यू। मैं इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा मिलन सर को एंड विजय सर को एंड ब्लू अम्ब्रेला टीम को, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि उनने मुझे मौका दिया, उनने मुझे उस काबिल समझा कि मैं ये गाना गा सकता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल देम। किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं एंड कब से ये सब स्टार्ट होगा? तैयारी काफ़ी समय से चलती है कई चीज सिंगिंग की, बट मुझे ये प्लेटफॉर्म विद इन एकदम समय से पहले मिल गया मुझे ये मौका, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ मौका मिला, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। म्यूजिक वीडियो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे आ रहे हैं जी, पसंद जी ट्रेंडिंग, बिल्कुल। आपको आने वाले दिनों में हम ऐसे देखेंगे म्यूजिक वीडियो में या फिल्मों में या और ढेर सारे महात्मा? बिल्कुल, आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि कवर सॉन्ग्स बहुत बनते हैं, इसलिए वो कुछ अरिजीत के हो जाते हैं, कुछ सोनू निगम जी के हो जाते हैं, तो कवर सॉन्ग्स मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ, पर खुद का गाया हुआ की वैल्यू दुगनी हो जाती है। जब आपका कोई कवर सॉन्ग आए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो मैं उसी कोशिश में हूँ और लगा रहा हूँ उसी कोशिश में। ओके थैंक यू। बड़ी मुश्किल से आप नजर आते हैं, कोई खास ही मौका पर तब आप मीडिया से लोगों से मिलते हैं, यहाँ आने की खास वजह? यहाँ आने की खास वजह मेरे मित्र सचिंदर शर्मा, उन्होंने आज ये कंपनी खोली है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ, आशीर्वाद देने आया हूँ और उनका प्यार पाने आया हूँ। क्या मानते हैं कि ऐसे एक हमने पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक दौर से गुजरी है, महामारी के दौर से गुजरी, इंडस्ट्री ने बहुत झेला है, मैं थिएटर की बात करूँ, थिएटर जिस तरह से पूरे 8-9 महीने बन रहे हैं, एक नई शुरुआत है, आप समझते हैं कि पहला कदम बढ़ाया जा रहा है, जैसे आजकल की फिल्में भी रिलीज करी जा रही है थिएटर में ताकि लोग आए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिल से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये चीज़ें और सुधरती चली जाएं, लोग वापस नॉर्मल लाइफ जिएं, सब लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, सिनेमा हॉल पूरे खुल जाएं, लोग सिनेमा देखने जाएं, अच्छी अच्छी फिल्में बने और हमारी इंडस्ट्री और तरक्की की राह पर चले। क्या मानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम इंडस्ट्री हैव टू फेस अब तक?
जब से सिनेमा का जन्म हुआ। पार्डन प्लीज, क्या आपको लगता है कि सबसे बुरा वक्त देखा इंडस्ट्री ने? जब मैं थिएटर की बात करता हूँ, मैं एग्जीबिटर की बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बुरा वक्त देखा है, बहुत ही अजीब सा। ये मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि ईश्वर करे ऐसे हालात हो जाएं कि इस वक्त को हम भूल जाएं हमेशा के लिए। और क्या हुआ ऐसा प्रोफेशनल फ्रंट पे? हालांकि बहुत कुछ हम आपको दिख के लेकिन फिर भी आपकी जुबान, चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं। मैं अभी आप जैसा आप सबको पता है, मेरा अभी शो तेनालीरामा बहुत बड़ा हिट हुआ था, अभी 2 महीने पहले ख़त्म हुआ। और अभी फ़िलहाल मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सिनेमा और वेब सीरीज़ की तरफ मैंने ध्यान दिया है, और ईश्वर की कृपा से अच्छी चीज़ें हो रही जो बहुत जल्द सामने आएंगी। अभी अनाउंस, अभी बात करना अलाउड नहीं करा गया है, मार्केटिंग टीम की से बताना नहीं चाह रहे मैं आपको टीडी। हाँ, बिकॉज अभी ना बताना ही अच्छा है, मुझे लगता है सही बात सही समय पर बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएँ एक बार फिर से मेरे मित्र सचिंदर शर्मा जी का दिल से। मैं इनसे मेरी मतलब मैं जो मेरी लाइफ की जो मेरी पहली फिल्म कमर्शियल फिल्म थी कॉलेज गर्ल 1990 में 1989-90 में, तब से हमारा सब में छोटा सा बच्चा आया था। थैंक यू। विवादित भी बहुत रही थी फिल्म। हाँ, विवाद से नाता है हमारा, क्या करोगे, जिस फिल्म में जाओ विवाद अपने आप चली जाती है। और शुक्रिया अदा करूँगा कि जैक एंड जिल में, ए जैक एंड मिस गिल में, फिल्म में तो आए जैक एंड मिस गिल में कोई ऐसी चीज़ें ना हो। हम नई कंपनी शुरू की, हैप्पीनेस, नया साल, कुछ अच्छा करो ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैलेंजिंग पार्ट एक सिंगर के लिए ये होता है कि जब उसको कोई भी गाना मिलता है तो उसमें वो फील में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक शब्द मैटर करते हैं व्हेन यू आर सिंगिंग। तो मेरे लिए वो चीज़ थी, और मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला डायरेक्टर के थ्रू, तो मैंने वो चीज़ बहुत अच्छे से निभाई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जब गाना लिखा जाता है तो उसकी स्केल जो डिपेंड होती है वो सिंगर के थ्रू डिपेंड होती है, कि वो कैसे गा सकता है, वो कैसे मोल्ड कर सकता है, उसका पैटर्न कैसा है। तो वो चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी, देन उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर हुई एंड गाना रिकॉर्ड हुआ उस सब चीज़ों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी, सिंगिंग का तो मुझे था क्रेज बहुत पहले से, एंड मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आई अप्रिशिएट दैट थिंग, एंड नो वर्ड्स फॉर अमेजिंग थिंग। इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सुना था मेरा ये अफसाना, पहले था मैं काफिरा तुझसे खुदा को जाना, बन के तू रहनुमा तुझ में ही तू रह गया, इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना। आखिरी सवाल, किसे अपना आइडल मानते हैं आप सिंगर की? जब मैं बात करता हूँ, एक नया चंक है पूरा हमारे सामने जो नए आपकी उम्र के सिंगर हैं, किसे अपना आदर्श मानते हैं? मैं अरिजीत सिंह को मानता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी सिंगर हो, दो चीज़ें सिंगर को हमेशा माननी चाहिए, पहला उसका गुरु कौन होता है, और दूसरा जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि गला मैटर नहीं करता, गले की आप प्रैक्टिस कैसे करते हो ये मैटर करता है। क्योंकि आप जब मैराथन में रेसिंग करने जाते हो, जब आप दौड़ने जाते हो, तब आप उस चीज़ का वार्म अप करते हो, आप उस चीज़ की एक्सरसाइज करते हो, तो मैं उस चीज़ पर बहुत मानता हूँ, और मैं अरिजीत सिंह जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।